लड़की का नाम मैं इसमें नहीं दे रहा हूँ, बस मेरी मजबूरी इतनी है कि मतलब उस लड़की की इज्जत बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। प्रेम भी अजीब चीज है, आदमी इसमें आबाद कम बर्बाद ज्यादा होता है। मोहब्बत की जंग ही कुछ ऐसी है कि इसमें जिंदगी कम मौत ज्यादा मिलती है, लेकिन फिर भी लोग मोहब्बत करते हैं, उसी के लिए जीते हैं और उसी के लिए मरते हैं। मोहब्बत के चक्कर में ही यूपी के सुल्तानपुर जिले का एक युवक मर गया। उसकी मौत आत्महत्या थी या फिर हत्या, अभी सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल ये मातम पसरा हुआ है गोसाईगंज थाना इलाके के सिरवारा शफेपुर गांव में, जहां 25 साल के पुतनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बीते मंगलवार को उसी पड़ोस के गांव में रहने वाले उसके मौसी के लड़के ने बुलाया और रात में पता चला कि पुतनू जिला अस्पताल में भर्ती है। हालत नाजुक देखते हुए उसे लखनऊ के KGMU रेफर करा गया। रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुतनू की संदिग्ध मौत को हत्या के नजरिए से देख रहे परिवार जनों ने पुलिस को नामजद तहरीर दी है। पुलिस ने जांच शुरू की तो मौत से पहले मृतक का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। वीडियो में मृतक मरने की बात कर रहा है, वो भी इसलिए ताकि उसकी प्रेमिका बदनाम ना हो। दिन्नी नाम का एक लड़का है मेरे मौसी का, वो बुला के बहुत टॉर्चर किया है। कल रात में बुला के मुझे बहुत बुरी तरीके से मारे। रात में 12:00 पे लमसम 1 बजे के आसपास मैं 100 नंबर कॉल भी किया था, लेकिन ये लोग मेरे मोबाइल छीन लिए थे, आज सुबह में दिए हैं। फिलहाल मेरी गलती थी थोड़ी बहुत उस लड़की के विषय में, लेकिन इतनी बड़ी भी गलती नहीं थी। इनके घर की भी नहीं है वो, इनके घर से बगल की है वो, मतलब दूर की है थोड़ा, आप देख लीजिएगा। उसका नाम तो मैं नहीं दूंगा आपको, लेकिन जो है जो भी ये किए हैं ना, बहुत गलत किए हैं। उस लड़की को मैं चाहता हूँ, उससे मैं प्यार किया करता था, तो फिर ये बाद में वीडियो पाके जो है इस तरह ब्लैकमेल करना, बार बार ये करना, टॉर्चर करना, सब मिला के जो भी होगा मेरे साथ में उसकी जिम्मेदार देनी ही है। इनकी लास्ट मांग क्या है, जैसे मतलब इनका कहना है कि लड़की को इनके पास मैं लेकर आऊँ, तो मैं कहाँ से लेके आऊँ उस लड़की को इनके पास, आप ही बताइए। लड़की को जो है अपने पास से बुला रहे, कह रहे हैं कुछ लड़की को अपने पास मतलब मेरे पास लेके आओ, तभी हम तुम्हारी वीडियो तुम्हारे पास रिटर्न करेंगे। तो मैं लड़की को नहीं ला सकता हूँ, इसलिए मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। वीडियो को आपने गौर से सुना होगा तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मामला क्या है। फिर भी हम आपको बता दें कि पुतनू का बगल के ही गांव में किसी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेम प्रसंग से जुड़ा कोई ऑडियो लड़की के घर के बगल रहने वाले मृतक के मौसी के लड़के के हाथ लग गया, जिसके बाद उसने ऑडियो वायरल करने की धमकी देते हुए पुतनू से पैसे की डिमांड की। साथ ही पुतनू से अपनी प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनवाने की मांग करते हुए उसे खूब पीटा। पिटाई के बाद पुतनू ने वीडियो बनाया और लड़की का नाम न लेते हुए लड़की को बदनामी से बचाने के लिए आत्महत्या करने की बात कही। हालांकि मौत कैसे हुई ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। वहीं मृतक परिजन दिनेश नाम के युवक पर हत्या करने का इल्जाम लगा रहे हैं। मृतक की भाभी ने हत्या का कारण पैसों का लेनदेन बताया, साथ ही बताया कि पुलिस भी आरोपी से मिली हुई है और पूर्व प्रधान के दबाव में हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। सुल्तानपुर से निसार अहमद की रिपोर्ट, NDTV भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।